राजस्थान ग्राम शहर के गांधी नर्सिंग होम में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ इलाज के लिए आई गई 6 दिन के बच्चे के पेट में एक और भ्रूण मिला है, जो काफी दुर्लभ समय समस्या होती है। इसके बाद डॉक्टर ने उस 6 दिन की बच्ची का चिकित्सकीय परीक्षण किया। इस दौरान बच्ची के पेट में एक गोला होना प्रतीत हो रहा था, जिसकी पुष्टि के लिए बच्ची का सोनोग्राफी कराने के डॉक्टर ने शहर के विधि डायग्नोसिस सेंटर में बच्ची को रेफर किया। यहां इस बच्ची के सोनोग्राफी के दौरान उसके पेट में अविकसित भ्रूण दिखाई दिया, जिसके हाथ पैर और दिमाग का कुछ हिस्सा बन चुका था। 2 किलो वजन की इस बच्ची के भीतर एक और भ्रूण मिलना काफी दुर्लभ समस्या है। सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर अमित मोदी का कहना है कि इस तरह के मामलों को मेडिकल भाषा में फैट्स एंड फैटू कहा जाता है, जो लगभग 5 लाख जीवित बच्चों में किसी एक के साथ ही ऐसा होता है। संभावना सर्जरी ही है, जो पीडियाट्रिक जो सर्जन होते हैं वो इसको ऑपरेट करके निकाल सकते हैं। क्योंकि बच्चा अभी का वजन बहुत कम है, 2.5 किलो के आसपास का है, थोड़ा सा वजन जब बढ़ जाए 3-4 किलो का, 4 किलो के आसपास हो जाएगा, तो उसको निकालने की पूर्णतः कोशिश की जाएगी। बाकी ये पीडियाट्रिक सर्जन का ओपिनियन ज्यादा